Say hello, man. What's up, guys? Please subscribe, Niki. Hey, yo. हेलो दोस्तों, हम लोग आज जा रहे हैं चेरापुंजी जो मेघालय में है। और हम लोगों ने अपना जो ये जर्नी है ये गुवाहाटी से स्टार्ट किया है और शिलोंग की दूरी जो है हम लोग दोस्तों 3 से 4 घंटे में पूरी करने वाले हैं। और साथ ही में दोस्तों हमारे साथ 3 फ्रेंड्स हैं और हम लोग एक और फ्रेंड को जो अभी पिकअप करेंगे ऑन द वे में। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं वाला जगह, हम लोग अभी भी रुके हैं, बहुत बारिश हो रही है। क्या मस्त जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही बढ़िया लोकेशन है दोस्तों ये। दोस्तों आ चुका हूँ उमियान लेक, बहुत ही सुंदर लेक है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, कोशिश करता हूँ कि ड्रोन शॉट लेने के लिए, और आगे चलते हैं और देखते हैं। और दोस्तों ये जगह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान में रख लीजिए। दोस्तों हम जा रहे हैं MN05 रेस्टोरेंट। तो दोस्तों यहाँ से जो है आपको जाना है, ये जो पेड़ देख रहे हो दोस्तों, ये एक अमेजिंग व्यू होने वाला है। आप बिल्कुल मिस मत करना, जब भी आप शिलोंग जा रहे हो तो MN05 रेस्टोरेंट में आपको डेफिनेटली जाना ही है। मतलब दोस्तों यार ये क्या जगह है, इतना अल्टीमेट जगह है ना, वाह, मतलब मजा आ रहा है यहाँ पे दोस्तों आकर। दिस इज अमेजिंग, मतलब वन ऑफ माय बेस्ट प्लेस लग रहा है। पूरे इतने बड़े बड़े पेड़ हैं और एकदम अंधेरा है, मैं दिखाता हूँ आपको। एक तो दोस्तों आप यहाँ पे बढ़िया बढ़िया फोटोज ले सकते हो, इतना अंधेरा भी, और आपको आवाज़ आ रही होगी बारिश की, और ऊपर से बहुत ज़्यादा थंडरिंग भी हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि आप सुन पा ही रहे हो। दोस्तों मैं आ चुका हूँ ML05 कैफे और बहुत ज़ोर से बारिश हो चुकी है, अभी इतनी ठंडी लग रही है। यहाँ पे जैकेट लेके आऊँ, जैकेट पहना है मुझे। और यहाँ से माय गॉड, बहुत तो से बारिश हो चुकी है दोस्तों। ये है ML05 दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो। Thank you.
दोस्तों मेरे पीछे ही ML05 है। अभी भी जस्ट हम लोगों ने जो यहाँ पे थोड़ा लंच वंच कर लिया, बहुत बढ़िया लगा और क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडी है तो मैंने जैकेट पहन लिया और अभी हम लोग निकलने वाले हैं चेरापुंजी की तरफ। तो चलिए आइए चलते हैं चेरापुंजी और फिर वहाँ का जो कुछ है नज़ारा आपको दिखाता हूँ। दोस्तों एक तो शिलोंग या चेरापुंजी जाने का कुछ मज़ा ही अलग है इधर से, क्योंकि एक तो दोस्तों आप पहाड़ पे क्लाइम करके जाते हो और प्लस इतनी बारिश होती रहती है और इतना ज़्यादा जो है सीनिक ब्यूटी है, आपको पहाड़ देखने को मिल जाता है, आपको फॉग्स देखने को मिल जाता है, क्लाउड्स देखने को मिल जाता है, रिवर्स देखने को मिल जाता है, फुल नेचर ही नेचर आपको जो है देखने को मिल जाता है। दोस्तों दोपहर के सिर्फ 2 बज रहे लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कि 4-5 बज गया और शाम हो रही है, क्योंकि क्लाइमेट ही इतना ऐसा है कि पूरा अंधेरा सा लगने लगता है। तो दोस्तों काफ़ी बारिश होने की वजह से हमने सोचा है कि हम चेरापुंजी तक ना जाकर उसके पहले सोहरा पे रुक जाए। और आपको ऑन द वे में ऐसे माउंटेंस भी देखने को मिलेंगे, काफ़ी अलग से माउंटेंस देखने को मिल जाते हैं जो आपको यूजुअली देखने को नहीं मिलता। एकदम प्लेन देखिए आप, इनका जो सरफेस है ऊपर का वो बिल्कुल प्लेन है और बहुत ही ज़्यादा जो है ऊँचे पहाड़ हैं। तो दोस्तों हम लोग ऑलमोस्ट सोहरा पहुंच चुके हैं, यहाँ से हमारा होटल सिर्फ 10 मिनट है, हम जाएंगे रेस्ट करेंगे और यस दोस्तों पार्ट 2 में आपको चेरापुंजी और बाकी वाटरफॉल्स दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।